सो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गाइस आरडी ऑटोमोबाइल इन्फो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट 110 सीसी स्कूटर के बारे में, जो कि गाइस इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा मात्रा में बेची जाती है और सबसे बेस्ट इन सेगमेंट स्कूटर है। गाइस अगर आप भी 110 सीसी स्कूटर परचेस करने का प्लान बना रहे हैं और आपका बजट 80,000 से लेकर 90,000 के बीच में है, तो गाइस ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में आपको उन स्कूटर के बारे में बताने जा रहा है जो कि इंडियन मार्केट में 110 सीसी सेगमेंट में सबसे बेस्ट पावर के साथ बेस्ट माइलेज देखने को मिल जाता है और परफॉर्मेंस भी आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो गाइस वीडियो को जरूर एंड तक देखना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि गाइस कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो चले गए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस हमारा लिस्ट पे फिफ्थ नंबर पे है TVS स्कूटी जेस्ट। TVS स्कूटी जेस्ट एक कॉम्पैक्ट स्कूटर है और ये साइज में छोटा है और इसका वेट भी काफ़ी कम है और इसीलिए कोई भी स्कूटर को आसानी से चला सकते हैं। स्कूटर में 109.7 सीसी सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन है जो कि 7.71 BHP मैक्सिमम पावर 7500 RPM एंड 8.8 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क 5500 RPM जनरेट करता है। इस स्कूटर का फ्रंट में हेलोजन हेडलाइट के साथ LED डीआरएल्स देखने को मिल जाता है और रियर में LED टेल लैंप देखने को मिल जाता है और इस स्कूटर में आपको फुल्ली एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता है और साथ में चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है और इस स्कूटर में डुअल टोन कलर सीट देखने को मिलता है। सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात किया जाए तो स्कूटर का फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में कॉइल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन देखने को मिलता है और टायर साइज के बारे में बात करें स्कूटर का फ्रंट एंड रियर में आपको 90x110 इंच ट्यूबलेस टायर दिया गया है और ब्रेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्कूटर का फ्रंट में आपको 110mm ड्रम ब्रेक सेटअप एंड रियर में 130mm ड्रम ब्रेक सेटअप दिया गया है। स्कूटर का सीट हाइट काफ़ी कम है 760mm, कार्बेट 103 kg और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5 लीटर। माइलेज के बारे में बात करें तो स्कूटर में आपको 53 से लेकर 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल जाएगा। टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो स्कूटर में आपको 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा और गाइस स्कूटर में आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन के साथ 2 वेरियंट देखने को मिल जाता है। आप बात कर लेते इसका प्राइस के बारे में, TVS स्कूटी जेस्ट ग्लोस का एक शोरूम प्राइस दिल्ली में 67,016 रुपीस रखा गया है जो कि इस ऑन रोड प्राइस आपको लगभग 78,000 से लेकर 80,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा और मैट सीरीज का एक शोरूम दिल्ली प्राइस 68,693 रुपीस रखा गया है जो कि इस ऑन रोड प्राइस लगभग 80,000 से लेकर 82,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। गाइस हमारा लिस्ट पे फोर्थ नंबर पे है हीरो प्लेजर प्लस एक्सटेक। हीरो प्लेजर प्लस एक्सटेक का लुक काफ़ी अच्छा है और एक रेट्रो स्टाइल स्कूटर है। इस स्कूटर में 110.9 सीसी एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OASC इंजन है जो कि 8 BHP मैक्सिमम पावर 7000 RPM एंड 8.7 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क 5500 RPM जनरेट करता है। इस स्कूटर का फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प के साथ LED DRLs देखने को मिल जाता है और टर्न सिग्नल LED में दिया गया है। स्कूटर में आपको नया डिजाइन एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दिया गया है। इसमें आपको कॉल एंड SMS अलर्ट देखने को मिल जाएगा, I3S टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा, साइड स्टैंड इंजन कार्टअप स्विच भी देखने को मिल जाएगा और साथ में हीरो कनेक्ट फीचर्स भी दिया गया है और इस स्कूटर में बूट स्पेस के साथ बूट लाइट भी दिया गया है जो कि LED है। टायर साइज के बारे में बात करें तो स्कूटर का फ्रंट एंड रियर में आपको 90x110 इंच ट्यूबलेस टायर दिया गया है और ब्रेक्स के बारे में बात करें स्कूटर का फ्रंट एंड रियर में आपको 130mm डम ब्रेक सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको डिस्क ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। हीरो प्लेजर प्लस स्कूटर का सीट हाइट 765mm, कार्बोवेट 104 kg और स्कूटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 4.8 लीटर। माइलेज के बारे में बात करें तो स्कूटर में आपको 45 से लेकर 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल जाएगा। टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो स्कूटर में आपको थोड़ा सा कम टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा जो कि 77 किलोमीटर पर आवर की है। गाइस अब बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में, बेस्ट वेरिएंट का एक शोरूम दिल्ली प्राइस 64,020 रुपीज से लेकर टॉप वेरिएंट 73,370 रुपीज तक जाती है और ऑन रोड प्राइस आपको लगभग 74,941 रुपीज से लेकर टॉप वेरिएंट 85,238 रुपीज तक जाती है। सो गाइस आप अगर इतना दूर तक वीडियो देख लिया है और आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। अब बात कर लेते हैं हमारा लिस्ट पे थर्ड नंबर पे है होंडा डियो। होंडा डियो में आपको थोड़ी सी स्पोर्टी लुक देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ अच्छा फीचर्स, अच्छा माइलेज और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। इस स्कूटर में 109.51 सीसी फैन कूल्ड फोर स्ट्रोक SI इंजन दिया गया है और इसके इंजन काफ़ी स्मूथ है। इस स्कूटर में आपको 7.65 BHP मैक्सिमम पावर 8000 RPM एंड 9 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क 4750 RPM में जनरेट करता है। गाइस अब बात कर लेते हैं स्कूटर का फीचर्स के बारे में। स्कूटर में आपको LED हेडलैम्प ऑप्शनल देखने को मिल जाता है। स्टैंडर्ड मॉडल पे आपको हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा और डिलक्स मॉडल पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको रियल टाइम माइलेज भी देखने को मिल जाता है बट इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगा और गाइस स्कूटर में आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलर भी देखने को मिल जाएगा। स्कूटर में इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच भी दिया गया है और साथ में साइड स्टैंड इंजन कार्टअप स्विच दिया गया है जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा है।
सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात किया जाए तो स्कूटर का फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में थ्री स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। टायर साइज के बारे में बात करें तो स्कूटर का फ्रंट में को 90x90 12 इंच ट्यूबलेस टायर और रियर में 90x100 10 इंच ट्यूबलेस टायर दिया गया है। और स्कूटर में फ्रंट में 130mm ड्रम ब्रेक सेटअप एंड रियर में भी 130mm ड्रम ब्रेक सेटअप देखने को मिल जाएगा। स्कूटर में आपको डिस्क ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। स्कूटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.3 लीटर का, सीट हाइट 765mm और स्कूटर का कार्बेट है 105 kg। माइलेज के बारे में बात करें तो स्कूटर में आपको लगभग 47 से लेकर 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल जाएगा। और टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो स्कूटर में आपको 83 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। प्राइस के बारे में बात करें तो होंडा डियो में आपको टोटल दो वेरियंट देखने को मिल जाता है जो कि स्टैंडर्ड एंड डिलक्स। स्टैंडर्ड का एक शोरूम दिल्ली प्राइस 66,862 रुपीस है जो कि गाइस आपको ऑन रोड प्राइस लगभग 78,000 से लेकर 80,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। और डिलक्स का एक शोरूम प्राइस दिल्ली में 70,260 रुपीस है जो कि गाइस ऑन रोड प्राइस आपको लगभग 81,000 से लेकर 83,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। गाइस हमारा लिस्ट पे सेकंड नंबर पे है टीवीएस जुपिटर 110cc। टीवीएस जुपिटर 110cc को माइलेज के लिए जाना जाता है और स्कूटर का लुक काफ़ी सिंपल है। इस स्कूटर में आपको 109.7cc सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक सीवीटी फ्यूल इंजेक्शन इंजन देखने को मिल जाता है जो कि 7.37 bhp मैक्सिमम पावर 7000 rpm एंड 8.4 Nm पीक टॉर्क 5500 rpm जनरेट करता है। टीवीएस जुपिटर में आपको टोटल 5 वेरिएंट देखने को मिल जाता है जैसे कि बेस वेरिएंट, ZX वेरिएंट, ZX डिस वेरिएंट, ZX स्मार्ट एक्स कनेक्ट वेरिएंट और क्लासिक वेरिएंट। टीवीएस जुपिटर में आपको अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाता है जैसे कि स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है और टॉप वेरिएंट में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, USB चार्जिंग, वॉइस असिस्ट भी देखने को मिल जाता है। टायर साइज के बारे में बात करते हैं स्कूटर का फ्रंट एंड रियर में आपको 90x90 12 इंच ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। और ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं स्कूटर में आपको डिस्क और ड्रम दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। टीवीएस जुपिटर में 6 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और स्कूटर में आपको 47 से लेकर 52 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल जाएगा। स्कूटर का टॉप स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर की है और स्कूटर का सीट हाइट 765mm और इसका कार वेट 107 kg। गाइस बात करें तो प्राइस के बारे में टीवीएस जुपिटर 110cc एक शोरूम दिल्ली प्राइस बेस वेरिएंट का 68,571 रुपीस से लेकर टॉप वेरिएंट 82,346 रुपीस तक जाती है और ऑन रोड प्राइस बेस वेरिएंट 80,000 से स्टार्ट होता है जो कि टॉप वेरिएंट 96,000 रुपीस तक जाती है। गाइस फर्स्ट नंबर पे है होंडा एक्टिवा 6G। होंडा एक्टिवा इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाली स्कूटर है और इसलिए स्कूटर को मैंने नंबर 1 पे रखा। इसका लुक एंड डिजाइन आपको सेम देखने को मिल जाए। स्कूटर में 109.51cc फैन कूल्ड फोर स्ट्रोक SI इंजन देखने को मिलता है जो कि 7.68 bhp मैक्सिमम पावर 8000 rpm एंड 8.79 Nm पीक टॉर्क 5250 rpm जनरेट करता है। स्कूटर का इंजन काफ़ी स्मूथ है और मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है और साथ में लॉन्ग लास्टिंग भी है। होंडा एक्टिवा 6G में आपको LED हेडलैम्प के साथ LED DRS देखने को मिल जाता है और टर्न सिग्नल आपको LED में देखने को मिल जाता है और स्कूटर में आपको एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता है। स्कूटर का फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में थ्री स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। ब्रेक्स के बारे में बात करें तो स्कूटर का फ्रंट एंड रियर में आपको 130mm ड्रम ब्रेक सेटअप देखने को मिल जाएगा। डिस्क का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्कूटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.3 लीटर है, सीट हाइट 765mm और कार वेट 106 kg। माइलेज के बारे में बात करें तो होंडा एक्टिवा 6G में आपको 50 से लेकर 53 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल जाएगा और टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो स्कूटर का टॉप स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर की है। गाइस बात करते प्राइस के बारे में होंडा एक्टिवा 6G में टोटल दो वेरिएंट देखने को मिल जाता है। स्टैंडर्ड वेरिएंट का एक शोरूम दिल्ली प्राइस 71,432 रुपीस रखा गया है जो कि गाइस आपको ऑन प्राइस लगभग 83,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा और डिलक्स वेरिएंट का एक शोरूम दिल्ली प्राइस 73,177 रुपीस रखा गया है जो कि गाइस ऑन रोड प्राइस आपको लगभग 85,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। फिलहाल गाइस वीडियो आज इतना है, इसमें से कोई भी एक स्कूटर को परचेस कर सकते हैं। आपका कौन सा स्कूटर ज़्यादा पसंद आया आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि गाइस कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।